नमस्ते साथियों, कलकत्ता की यात्रा के दौरान हम सब कलकत्ता पहुंच चुके थे और आज हमारा प्लान था दक्षिणेश्वर काली माँ के मंदिर जाने का और बेलूर मठ जाने का। दक्षिणेश्वर काली माँ मंदिर के पीछे से ही आपको बोट मिल जाती है जो आपको बेलूर मठ तक लेकर जाती है। तो हमारा प्लान था कि सबसे पहले हम देवी माँ के दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से बेलूर मठ निकल जाएंगे। तो इसके लिए हमने कालीघाट मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ी और दक्षिणेश्वर के लिए चल दिए। कलकत्ता में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है, आप यकीन नहीं करेंगे। कालीघाट से दक्षिणेश्वर की दूरी कम से कम 30 से 35 किलोमीटर है और उसका किराया मात्र 25 रुपये प्रति व्यक्ति का था, वो भी एक तरफ से। तो हम सब वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद जब आप स्काई वॉक पर पहुँचेंगे तो स्काई वॉक से उतरने के बाद मंदिर की तरफ मत जाइए, बाईं तरफ से एक गली कट गई है उसी में चले आइए। वो रास्ता जाता है जहाँ से आपको जेटी मिलेगी, दक्षिणेश्वर जेटी के नाम से प्रसिद्ध है ये, और यहाँ से आपको जेटी मिलेगी जो आपको बेलूर मठ लेकर जाएगी। किराया बहुत कम है, आप आराम से अंदर आइए, टिकट लीजिए और आगे चल पड़िए। शाम का समय था, लगभग 5:30 बज रहे थे। हमारी तरह न जाने कितने यात्री बेलूर की तरफ जा रहे थे। ये रास्ता जहाँ से जेटी मिलती है ये हुबली नदी में थोड़ा अंदर तक बना हुआ है और आगे जाके प्लेटफॉर्म बना है जहाँ से जेटी मिल जाती है। तो हम सब इस पे चलते हुए आगे बढ़ चले और यकीन मानिए शाम का समय था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी और इतना लुहावना माहौल था कि जिसको हम बता नहीं सकते। बस हम सब आगे बढ़ते जा रहे थे। हाँ, पिछली यात्रा की वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो सन 2020 में हम और हमारे साथी यहाँ पर आए थे। इस बार हम सब अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो उस समय बेलूर मठ हम सब नहीं जा पाए थे क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और शाम को 7 बजे के बाद सारी पब्लिक कन्वेंस बंद हो जाते थे और सारे मंदिरों में दर्शन बंद कर दिए जाते थे। तो बेलूर मठ उस टाइम नहीं हो पाया था। तो आज हमारा सबसे पहले ही आकर्षण था कि बेलूर मठ जाएंगे। जब हम कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली माँ मंदिर के पास फेरी घाट के पास पहुँचे जिसका नाम माँ भावोतारिणी जेट्टी घाट है, हमने घाट पर एक नौका देखी। हम सामान्य रूप से आगे बढ़ रहे थे, आनंद ले रहे थे, अपने आसपास देख रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे। इसके ठीक बगल में एक पुल जिसका नाम है विवेकानंद सेतु। दरअसल यहाँ अगल बगल दो पुल हैं, यह सड़क और रेलवे दोनों के लिए पुल है। जैसे ही हम नौका की तरफ बढ़ रहे थे उसने हॉर्न देना शुरू किया और आसपास के लोगों ने कहना शुरू किया कि जल्दी चलिए, ये नौका जाने वाली है। जल्दी जाने के लिए हम सब तेजी से नाव की ओर बढ़ चले और नाव पर चढ़ने के कुछ ही समय के बाद बेलूर मठ के लिए यात्रा प्रारंभ हो गई। जेटी की सफारी काफी आनंददायक रही। तटीय इलाकों से दूर रहने वाले हम लोगों को जलमार्गों पर यात्रा करने का दुर्लभ अवसर मिलता है और जब हमें यह मिलता है तो यह वर्णन करने के लिए बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। आप जलकुंभी जैसे छोटे छोटे पौधों को धारा के साथ तैरते हुए देख सकते हैं और कभी कभी एक पक्षी उसके ऊपर बैठकर भोजन की तलाश में पानी की ओर आगे देखता रहेगा। जैसे जैसे जेटी घाट से दूर होती गई विहंगम दृश्य दिखाई देने लगे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता जो कि दूर से बहुत ही सुंदर लग रहा था वो दिख रहा था। करीबन 20 मिनट की यात्रा के बाद हम सब विवेकानंद सेतु से नीचे उतरे, हमने मंदिर और सेतु की तस्वीरें ली। इस यात्रा में परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। दक्षिणेश्वर घाट से लगभग 3 किलोमीटर दूसरी तरफ बेलूर मठ स्थित है। सन 1897 में अपने कुछ अनुयायियों के साथ मिलकर स्वामी विवेकानंद ने इस मठ की स्थापना करवाई थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने अंतिम पल यहाँ पर बिताए थे और इस मठ का निर्माण शिलान्यास 13 मार्च 1929 को हुआ था। बेलूर मठ बाहर से एक मस्जिद, एक चर्च और एक मंदिर के जैसा दिखता है। मठ का दरवाजा अजंता गुफाओं और सांची स्तूप की बौद्ध शैलियों से प्रभावित है। मठ की खिड़कियां एवं बालकनी मुगल शैलियों एवं राजपूत वास्तुशिल्प से बनवाया गया है। उसके मुख्य गुंबज में आपको यूरोपियन वास्तुकला की झलक दिखती है। जमीन की अगर संरचना बताएं तो चुनार के पत्थर से निर्मित ईसाई क्रॉस के आकार में बनी हुई है। 112 फीट ऊंचे हनुमान जी और गणेश जी के चित्र यहाँ बने हुए हैं।
यह मठ तकरीबन 40 एकड़ में फैला हुआ है। उसके परिसर में कई संरचनाएं बनी हुई हैं। उस बेलूर मठ में रामकृष्ण संग्रहालय, पवित्र माता का मंदिर, स्वामी विवेकानंद मंदिर, रामकृष्ण की प्रतिमा और श्री रामकृष्ण मंदिर उपस्थित हैं। जैसे ही हमारी जेटी घाट के करीब पहुंची, हमें आकर्षक मठ के भवन की झलक दिखने लगी। घाट से हम बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद हम सब पहुंचे टिकट काउंटर पे। जेटी से उतरने के बाद हम सब पहुंचे टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर पे आप जाते समय एक बार ध्यान रखिएगा कि आप सब वापसी की फेरी का टिकट अभी ले लीजिए, क्योंकि वापसी के समय काउंटर पे जब लाइन होगी तो फेरी छूटने का डर रहता है। इसलिए हम लोगों ने भी वापसी की फेरी के टिकट ले लिया। हमें पहुंचने में शाम हो चुकी थी और बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर के लिए आखिरी फेरी 7:30 बजे की थी। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसलिए टिकट ले लिया और निश्चिंत होकर बेलूर मठ की तरफ चल पड़े। बेलूर मठ टिकट काउंटर से बहुत दूर नहीं है। ये मान के चलिए कि वहाँ से जो रास्ता जाता है वो सीधे बेलूर मठ ही जाता है। रास्ते में आपको किसी से पूछना नहीं है। साइन बोर्ड भी कई जगह लगे हुए हैं जो आपको आसानी से बेलूर मठ तक पहुँचा देंगे। कोलकाता में बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय है। हुगली नदी के पश्चिमी तट पर 40 एकड़ से अधिक भूमि पर फैले इस स्थान पर दुनिया भर से लोग आते हैं, चाहे उनकी धार्मिक आस्था कुछ भी हो। यह मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो सभी धर्मों की एकता के प्रतीक के रूप में लोगों को जोड़ता है। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय और कई अन्य शैक्षणिक संस्थान भी हैं। शाम की आरती 5:30 बजे होती है, जिसमें शाम की घंटी बजाकर यह सचेत किया जाता है आगंतुकों को मठ के मैदान में घूमने की अनुमति नहीं है और उन्हें श्री रामकृष्ण मंदिर के अलावा किसी अन्य मंदिर में जाने की भी अनुमति नहीं है। गाए जाने वाले आरती गीत श्री रामकृष्ण और श्रीमती शारदा देवी की स्तुति के भजन हैं। यहाँ की आरती अन्य पूजा स्थलों की आरती से अलग है, क्योंकि किसी से केवल बैठकर ध्यान करने की अपेक्षा की जाती है, कोई धार्मिक भेंट नहीं दी गई है। अगर यहाँ आप घूमने आते हैं तो उसके लिए 3 से 4 घंटे बहुत ही आसानी से व्यतीत हो जाते हैं। उस मठ को धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस मठ में बौद्ध, इस्लामी, हिंदू और वास्तुकला की ईसाई शैलियों का प्रयोग हुआ है। अगर बेलूर मठ के खुलने के समय की बात करें तो अप्रैल से सितंबर महीने में यह मठ सुबह 6 बजे से लेकर 11:30 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद ही मठ बंद हो जाता है और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक खुला रहता है। वहीं अक्टूबर से मार्च के महीने में यह सुबह 6:30 बजे खुलता है और 11:30 बजे बंद होता है। उसके बाद दोपहर में 3:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। अगर मठ की एक्टिविटीज़ और सेलिब्रेशन की बात करें तो सरस्वती पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा जैसे हिंदू त्योहारों के साथ साथ पवित्र माता, श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती को भी यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ क्रिसमस, चैतन्य, श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह के जन्मदिन भी मनाए जाते हैं। उत्सवों के अलावा मठ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ साथ ग्रामीण उत्थान, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के लिए भी काम करते हैं। बेलूर मठ पहुँचने के बाद वहाँ की खूबसूरती का एहसास होता है। वास्तव में जितना इसके बारे में सुना था ये उससे लाखों गुना बढ़कर दिखा। इसकी इमारत ऐसी है जो कभी कभी मस्जिद का आभास कराती है, कभी मंदिर का आभास कराती है, तो कभी चर्च और कभी गुरुद्वारे का आभास कराती है, यानी कि सर्वधर्म संभाव की बात करती है। हम सब जब पहुंचे तो वहाँ पे गुरुदेव की प्रार्थना होने जा रही थी और ये सामने जो लोग अंदर जा रहे हैं, ये जब अंदर जा रहे थे तो इनको सामने बैठाया जा रहा था। काफ़ी बड़ा सा हॉल था, लोग वहाँ पर आराम से बैठ गए और करीबन 7 बजे के आसपास प्रार्थना शुरू हुई। हम सब भी वहाँ पर काफ़ी देर बैठे रहे, प्रार्थना का आनंद लिया। जो व्यक्ति मठ के अंदर जाकर नहीं बैठ पाते हैं वो बाहर प्रांगण में बैठकर भी प्रार्थना का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि बाहर एक बड़ी सी टीवी लगी है जिस पर प्रार्थना का लाइव टेलीकास्ट होता है। तो कुछ समय बिताने के बाद हमें वापस भी लौटना था, क्योंकि पहले ही पता चल गया था कि यहाँ से दक्षिणेश्वर जाने की आखिरी फेरी 7:30 बजे है। अगर वो छूट गई तो आप फिर दक्षिणेश्वर नहीं जा पाएंगे, तो हमें समय रहते वहाँ से निकलना भी था। तो हम सब ने भी अपने इष्ट को प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़े। जब हमारी फेरी दक्षिणेश्वर के पास पहुँचने वाली थी
तो जो शुरुआत में पुल आपने देखा था, अब वो रात में रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहा था। और उसकी रोशनी का जो प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा था, तो लग रहा था जैसे पानी में सोने की कुछ कण बिखरे हुए हैं। पूरा पानी बिल्कुल स्वर्णिम दिख रहा था, एक स्वर्णिम आभा बिखरी हुई थी। तो इस दृश्य का भी आनंद लेते हुए हम सब धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ जा रहे थे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय माता की।